साधुराम दिवाकर शाखा मंत्री उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ पीलीभीत डिपो। हमारे पीलीपुर में कर्मचारी संघ के दो पदाधिकारी सदस्य अनिल कुमार जी और चालक खेमकरण जी की समझा समाप्त कर दी गई बिगर नोटिस के। उसके बाद दोबारा कुछ समय पश्चात शाखा अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव और सदस्य देवेंद्र कुमार जी की भी समझा समाप्त कर दी गई अन्य यूनियनों के दबाव में आकर। अब संगठन का एक ही नारा है कि हमारे जो भी चार कर्मचारी भाइयों की सेवा समाप्त की गई उनको समझ देते हुए दोबारा उसी सत्र के पुराने हिसाब से पुराने क्रमांक देते हुए पुराने क्रमांक पर समझा बहाल की जाए। उसके संगठन द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक जी को नोटिस दे दिया गया है धरने का। अगर हमारी मांगें 16-15 तक नहीं मानी जाती हैं तो 16 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना होगा। उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मियों की कोई सुध लेने वाला नहीं है, उनके साथ क्या क्या हो रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। तो साथियों, ये मामला एक रोडवेज संविदा कर्मी कर्मचारियों से संबंधित है और इसमें बिना नोटिस दिए हुए कुछ कर्मचारियों की संविदा समाप्त की गई, जिसके लिए संगठन ने क्षेत्रीय प्रबंधक से गुहार लगाई है कि उनके कर्मचारियों की संविदा बहाल की जाए। इस लेटर आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है सेवा में श्रीमान क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बरेली क्षेत्र महोदय, सदर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के कर्मचारी समस्याओं पर आप द्वारा लंबे समय से द्विपक्षीय वार्ता स्थापित नहीं की गई है। क्षेत्र में निगम प्रशासन द्वारा अन्य संगठनों के सहारे पर कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों का उत्पीड़न चरम सीमा पर किया जा रहा है। संगठन की एक आपातकालीन बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि कर्मचारी समस्याओं तथा संघ के प्रतिनिधियों के उत्पीड़न को तत्काल समाप्त नहीं किया जाता है तो 15 दिन बाद यानी कि 16/2/2023 से उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ आंदोलन को विवश हो जाएगा। इसलिए दिनांक 16/2/2023 से होने वाले मांगों को लेकर आंदोलन की जिम्मेदारी निगम प्रशासन की होगी। तो साथियों, यहां पर देख रहे हैं किस कदर उत्तर प्रदेश संविदा कर्मी परेशान है। किसी भी विभाग का वो संविदा कर्मी हो, कहीं ना कहीं उसका उत्पीड़न लगातार हो रहा है। यहीं पर दूसरा समाचार आ रहा है अन्वेषकों के शोषण से संबंधित। अन्वेषक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह जी के द्वारा ये पोस्ट की गई है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिनांक 12/1/2023 को नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर अन्वेषकों की असहनीय पीड़ा और शोषण से देश के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र के द्वारा अवगत करा गया था। पत्राचार के विशेष अनुक्रम में केंद्रीय कार्यालय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय से अन्वेषकों के संबंधित रिपोर्ट भी मांग ली है। मुख्यमंत्री कार्यालय से आख्या व रिपोर्ट विवरण पीएमओ कार्यालय पर प्रेषित होने के उपरांत ही राज्य सरकार के स्टैंड का पता लगेगा। सभी प्रकार के पत्राचारों की जानकारी एक प्रति में संगठन को भी प्राप्त होनी है, जिस पर आप सभी की सलाह विमर्श अपेक्षित है। कार्यपालिका के सभी प्रमुख स्तंभों के मुख्यालय एवं कार्यालयों में गुहार लगाने के साथ ही साथ न्यायपालिका की पैरवी युक्ति सावधानी एवं सतर्कता के साथ ही की जा रही है, जो प्रगति पर है और अति शीघ्र आप सभी को अवगत करा दी जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हो, उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में कार्य 30,000 अन्वेषकों की दयनीय शिकायत की गई है। निस्तारण इसमें अभी तक नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री कार्यालय पर अग्रसारित हेतु लंबित है अन्वेषकों का ये मामला, जिसमें उनकी दयनीय स्थिति को अवगत कराया गया है। तो साथियों, ये थी अब तक की खास खबरें संविदा कर्मियों से संबंधित। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा निवेदन, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर खबर आपकी सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आपकी खबर को हम पहुँचाएँगे शासन प्रशासन। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।